back. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में पहला रोजा, ट्रूडो की जानिब से मुबारकबाद। ट्रूडो का कहना था कि इस साल मुकद्दस महीना खास तौर पर मुश्किल वक्त में आया है, एक बाबरकत और पुरअमन रमजान की ख्वाहिश करता हूं। इसराइली साजिश बेनकाब होते ही कनाडा ने गजा फंडिंग बहाल कर दी। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि गजा में सूरत हाल संगीन है। कनाडा की मुसल्ला अफवाज भी उर्दनी फजाया को तकरीबन 300 कार्गो पैराशूट फराहम करेगी। सदारती इंतखाबात, अमरीका का सियासी माहौल गर्म। बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिमात के सिलसिले में रियासत जॉर्जिया में रैलियाँ। बाइडन और ट्रंप ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। जस्ट वन स्ट्रिप पर अ लोड। सिंपल एंड स्क्वीकी क्लीन। प्लास्टिक फ्री बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। ऑर्गेनिक, पैराबेन, फॉस्फेट, डाइऑक्सेन एंड क्रुएल्टी फ्री। Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. Canadian Vazir-e-Azam Justin Trudeau ne Ramzan ki aamad par khususi bayan jari kiya hai. Mazeed tafseelat is report mein. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रमज़ान की आमद पर खुसूसी बयान जारी किया है। अमेरिका और कैनेडा में मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने का रुझान खासा मकबूल हो रहा है, जहां पहले से तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों और इस्लामिक सेंटर्स ने पीर 11 मार्च को पहला रोज़ा रखा, जिसके लिए इतवार की रात से नमाज तरावी का आगाज़ किया गया। ताहम रोयत हिलाल यानी चांद देख कर आगाज रमज़ान और ईद उल फितर मनाने वाली तंजीमें और मसाजिद अपने फैसलों का ऐलान अलहदा करती हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अपने बयान में कहना था कि आने वाले हफ्तों के दौरान खानदान और दोस्त अहबाब दुआ के लिए इकट्ठे होंगे और मेहरबानी और सखावत के जरिए दूसरों को वापस देंगे। गुरूब आफ्ताब के वक्त वो इफ्तार के लिए इकट्ठे होंगे, एक तवील दिन के रोजे के बाद मुश्तरक रिवायती खाना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जहाँ भी मनाया जाता है, रमजान हमदर्दी, शुक्रगुजारी और खानदान की इकदार का एहतराम करने का मौका फराहम करता है। ट्रूडो का कहना था कि हम सबके लिए ये उन अनमोल शराकत को तस्लीम करने का भी मौका है जो मुसलमान कैनेडियंस ने हमारे मुल्क के लिए किए हैं और जारी रखे हुए हैं। तकरीबन 1.8 मिलियन मुसलमान कनाडा को अपना घर कहते हैं और हमारा मुल्क उनकी वजह से ज्यादा खुशहाल है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि इस साल मुकद्दस महीना खास तौर पर मुश्किल वक्त में आया है, क्योंकि गजा में इंसानी बहरान मुसलसल फैल रहा है। कनाडा ने गजा में पायदार जंगबंदी और शहरियों के लिए इंसानी इमदाद तक महफूज बिला रोक टोक रसाई के लिए हमारी कॉल की तौसीफ की, जैसा कि मुसलमान कम्युनिटीज रहमदिली और हमदर्दी के साथ रमजान का दिन मनाती हैं। हमें अपने इज्तिमाई फर्ज की याद दिलाई जाती है कि वो इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और नफरत के खिलाफ उनकी तमाम शक्लों में जहाँ भी और जब भी वाक़ हों। कनाडा की हुकूमत की तरफ से मैं कनाडा भर की मुस्लिम कम्युनिटीज को एक बाबरकत और पुरअमन रमजान की ख्वाहिश करता हूँ। कनाडा की हुकूमत ने तस्दीक की है कि वो फलस्तीनी पनाह गुजीनों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए फंडिंग बहाल करेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने तस्दीक की है कि वो फलस्तीनी पनाह गुजीनों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए फंडिंग बहाल करेगी। बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इकदाम की तस्दीक की। कनाडा ने जनवरी में उनरवा की फंडिंग उस वक्त मुअत्तल कर दी जब इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि इमदादी एजेंसी के 12 मुलाजमीन
7 अक्टूबर को हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के इसराइल पर हमले में किसी हद तक मुलविस थे। कनाडा ने इस मामले पर अकवाम मुत्तहदा के दफ्तर बराए अंदरूनी निगरानी की खिदमत की अबूरी रिपोर्ट का जायजा लिया है और हतमी रिपोर्ट का मुंतजर है, जबकि ये तफ्तीशी अमल जारी है। UNRWA ने निगरानी, जवाबदही और शफाफियत को मजबूत बनाने के लिए फौरी इकदाम किए हैं। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि UNRWA गजा में एक अहम किरदार अदा करता है, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करता है। इसके अलावा उसकी अहम कार्रवाइयों से खित्ते में दीगर जगहों पर 4 मिलियन लोगों की मदद की जाती है। अहमद हुसैन ने सहाफियों को बताया कि जमीन पर संगीन सूरत हाल की वजह से कैनेडा UNRWA के लिए फंडिंग दोबारा शुरू कर रहा है। कैनेडा की मुसल्ह अफवाज भी उर्दनी फिजाइयों को तकरीबन 300 कार्गो पैराशूट फराहम करेगी ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी जहाजों के लिए अपनी सप्लाई को भर सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा और स्वीडन ने UN एजेंसी को गजा फंडिंग बहाल कर दी है। एक कैंपेन ग्रुप ने इंकशाफ किया है कि इजरायली फौजियों ने अकवाम मुत्तहदा के इदारे के अमले के अरकान पर तशद्दुद किया था और उन्हें हमास के साथ ताल्लुकात रखने के गलत बयान देने पर मजबूर किया। ग्रुप के मुताबिक इसराइल ने UNRWA के कुछ हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें एजेंसी के हमास से ताल्लुकात के बारे में झूठे एतराफात करने पर मजबूर किया। कैंपेन ग्रुप ने UN हमले पर इजरायली तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। गुज़िश्ता हफ्ते UN एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि इसराइली हुकाम की जानिब से UN एजेंसी के हमले के अरकान को हिरासत में रखने के दौरान धमकियों और जबर का निशाना बनाया गया और एजेंसी के खिलाफ झूठे बयानात देने के लिए दबाव डाला गया। कनाडा और स्वीडन ने इसके बाद से अकवाम मुत्तहदा की एजेंसी के लिए माली इमदाद की तजदीद कर दी है, जो गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। अमरीका में रवां साल होने वाले सदारती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहाँ का सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका में रवां साल होने वाले सदारती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहाँ का सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। सदर बाइडन और उनके हरीफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिमात के सिलसिले में रियासत जॉर्जिया में रैलियां निकाली और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए। अमरीका के मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नवम्बर में 4 साल मुद्दत के लिए होने वाले सदारती इलेक्शन में एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की हुई है जिसमें वो एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि वो झूठ और नफरत की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम अमरीका में जमहूरियत का हर सूरत तहफ्फुज करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बाइडन इंतजामिया की नाकाम पॉलियसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। अमरीकी आवाम सदारती इलेक्शन में बाइडन इंतजामिया को इसका भरपूर जवाब अपने वोट से देंगे। फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। News are precise and effective.